लास्ट वीडियो में आपने देखा था तो इस समय ये कन्वेयर का सेटअप नहीं था। मैंने जैसे कि बोला था मैं कन्वेयर का सेटअप दिखाने वाला हूँ और उनको वर्किंग दिखाने वाला हूँ, और इसके आगे की जैसे मैंने सेवन सेटअप बताया तो उसके सेवन सेटअप में वीडियो बनेगा। और ये प्रोजेक्ट है स्पॉन्सर्ड बाय द टेक्नोपॉलिटिक्स, ये कंपनी में इस कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिला हमें, और आज हमारे कॉलेज रिसर्च फॉर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जीएस इस वीडियो को शूट कर रहे हैं शिवराज पांगले। फिर मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मेरे को लाइक शेयर थोड़े कम आए थे, तो इस बार थोड़ा चलो यार फ्री में मिलता है, कहाँ पैसे जा रहे हैं, थोड़े कमेंट कर दो अच्छे बुरे जो भी है, सजेशन दो कि नेक्स्ट वीडियो से और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिखाऊँ। और मैंने जैसे कि बोला है कि मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में पूरा प्रोग्रामिंग से लेकर सब कुछ सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा। तो आज हम लोग इसका कन्वेयर के साथ पूरा वर्किंग और सेटअप देख लेते, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने हर कंपोनेंट के बारे में बता दिया, हर चीज बता दिया, तो अभी हम इसके कन्वेयर का पूरा सेटअप देखते हैं, फिर मैं कंपोनेंट और आज पीएलसी के प्रोग्रामिंग में भी आपको देख जाऊंगा कि कैसे पीएलसी का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके अंदर वो रन हो रहा है कि नहीं, स्काडा के साथ कम्युनिकेशन सब कुछ मैं आज दिखा दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर बैठ सके। ओके, तो अभी देखिए कि मेरे पास में अभी ये वाटर टैंक है, वहां पे मेरे यहाँ पे रूम पे वाटर टैंक का अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पे भी मैंने कन्वेयर बेल्ट लगा दिया है, और मेरे पास में अभी कार अवेलेबल नहीं है तो मैं उसकी जगह पे एक बॉक्स यूज कर रहा हूँ डेमो दिखाने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरा वाटर लेवल सेंसर, टैंक के अंदर वाटर लेवल सेंसर है, तो इसके अंदर दो सेंसर है, एक अप लेवल सेंसर है, एक डाउन लेवल सेंसर है। जैसे ही मेरा अप लेवल सेंसर सेंस होगा तो आप पैनल के अंदर देख सकते हैं कि मेरा इंडिकेट करेगा, सिर्फ पैनल के अंदर दिखाइए, ये मेरा अप लेवल सेंसर का इंडिकेट किया, ये मेरा डाउन लेवल सेंसर का इंडिकेट किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो फिर से मैं मैनुअली स्टार्ट करने नहीं जाता हूँ, तो डायरेक्ट मैं जब से मेरी कार आई इसको कार कंसीडर कर लीजिए, ये कन्वेयर बेल्ट है, और अभी कन्वेयर बेल्ट के बाद में जब मेरी कार सेंसर वन, जो मेरा जहां से वाटर गिरते हैं क्लीनिंग के लिए होता है, वो मेरा सेंसर वन सेंस किया, तो कुछ सेकेंड्स के लिए मेरा कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स के बाद में मेरा कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंस है तो भी वो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है ब्रशिंग, मतलब उसमें वाटर गिर गए हैं तो उसमें ब्रश होना चाहिए, जो भी डस्ट वगैरह वो निकल जाए, तो उसके लिए अभी मेरा जैसे ही डस्ट के पास में मेरा सेंसर जाता है, कार जा रही है, सेंसर मेरा सेंस करेगा और वो रुक के वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद में वो ऑटोमेटिकली फिर से वो ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे कि फिर से ऑन हो गया, और नेक्स्ट अभी मेरा जाएगा ड्राइंग, मतलब वहां पे क्या होता है कि हम ब्लोअर वगैरह लगाते हैं, हीटर वगैरह रहता है, जिससे हमारे जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स बचे हुए रहते हैं वो हमारे वहां पे पूरा निकल जाएंगे। तो अभी जैसे सेंसर के पास में जाएगा तो मेरा फैन ये है जो ऑन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये मेरा फैन ऑन हो गया, तो अभी ये पूरा ड्राई हो जाएगा, गाड़ी मेरी सूख जाएगी और उसके बाद में अपने आप एग्जिट हो जाएगी। तो ये मेरा आज मैंने आपको पूरा सेटअप दिखा दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से क्या देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। अभी को लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था स्काडा से कैसे कंट्रोल कर रहे थे ऑटो मैनुअल और ऑटो मैनुअल और रिमोट, तीनों दिखाया था, तो आज मैं तीनों नहीं दिखाऊंगा, बस मैं सिर्फ ऑटो को दिखाता हूँ और मैनुअल दिखाता हूँ। तो सबसे मस्त मैं आपको स्काडा से कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा स्काडा का बिल्डिंग खुला हुआ है, और ये स्काडा मेरा हिंदू शॉप 0.2 वर्जन मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था। लास्ट टाइम पे मैंने आपको पीएलसी को ऑनलाइन लेकर के नहीं दिखाया था, तो मैं इधर पे देखिए पीएलसी मेरा ऑनलाइन है, पीएलसी ऑनलाइन है, तो यहाँ पे देखिए मेरे को रन कंडीशन शो कर रहा है कि ये रन में है। तो अभी पीएलसी में भी मैं जो चेंजेस वहां पे हो रहा है वो मेरे को यहाँ पे दिखेगा, ये मेरे रंग्स हो जाते हैं। तो अभी मेरे स्टार्ट में है मेरा, देखो कन्वेयर ऑन है, तो मेरा इधर पे कन्वेयर ऑन दिख रहा है, कन्वेयर मोटर ऑन, तो जैसे जैसे वहां पे होते जाएंगे वो सेम चीज इधर पे हो जाएगा। अभी मैं वहां से मैं फील्ड पे से मेरे वाटर लेवल सेंसर वन मैं चालू करता हूं, तो अभी मेरा वाटर लेवल सेंसर वन क्या है, अप और डाउन इंडिकेटर रहेगा, देखो अप लेवल इंडिकेटर डाउन लेवल इंडिकेटर, परशा आप अप लेवल इंडिकेटर करो, ये देखिए आप इधर पे रंग कंडीशन में आ गया, मतलब मेरा फील्ड पे भी इंडिकेट कर रहेगा, मतलब इंडिकेशन मैंने कहां दिया, मेरे पैनल में दिया हुआ है, तो आप पैनल में देख सकते हो अप लेवल इंडिकेट कर रहा है। सेम अभी गाइस मैं डाउन लेवल दिखाता हूं फील्ड पे से, फील्ड पे अभी क्वेश्चन डाउन लेवल आप देख सकते हैं इधर पे डाउन लेवल मेरा सेंस हो गया है। अभी मेरे इंडिकेटर भी इंडिकेशन भी मेरे पैनल पे आपको दिखेगा, राइट। तो अभी इसी प्रकार सारे भी जो रंग्स होते हैं मेरे वो सारे के सारे इसमें ऐसा सेंस करते हुए मुझे दिखता है ऑनलाइन, और मेरे को ऑनलाइन चेंजेस जो करना है मैं ऑनलाइन कभी भी एलन बैटली में नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन चेंज कर सकता हूँ, वो सब सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं इस स्काडा में आ जाता हूँ,
ये मेरा रन टाइम में मैं हूँ अभी ऑलरेडी, तो अभी मैं कार सिस्टम में जाता हूँ। अभी इधर पे देखो डाउन लेवल सेंसर सेंस करके रखा हुआ है, अभी आप डाउन लेवल सेंसर छोड़ दीजिए। अभी मैं यहां से मैं फील्ड को कंट्रोल करूंगा, मींस मैं यहां पे मतलब रिमोट थ्रू, मतलब मैं फील्ड पे कहीं पे भी हूं, मतलब मैं अपने कंट्रोल रूम में बैठा हुआ हूं, वहां से मैं फील्ड का कोई भी चीज कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि अभी देखिए मैं यहां पे वाटर लेवल इंडिकेटर को ऑन करता हूं तो मेरा अप लेवल इंडिकेट हो गया, ऑफ किया ऑफ हो गया, डाउन लेवल इंडिकेट हो गया। अभी मैं यहां से ही मेरा फील्ड ऑन हो जाएगा। देखिए सेंसर वॉशिंग सेंसर है मेरा, तो मैं वॉशिंग सेंसर को ऑन किया, इधर पे ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हैं फील्ड पे भी वो सोलेनोइड वाल्व ऑन हो चुका है, कन्वेयर देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट मेरा ऑफ हो चुका है और मेरा सोलेनोइड वाल्व ऑन हो चुका है, राइट। अभी नेक्स्ट है मेरा कि मैं रिमोट थ्रू कर रहा हूं, आपको पूरा उधर पे फील्ड पे दिख रहा है। सेकेंड है मेरा वो क्लीनिंग, तो क्लीनिंग में क्या होगा कि मेरा मैंने जब फील्ड से सेंसर सेंस किया और वहां पे ऑन हो जाएगा। देखिए वहां पे मोटर ऑन हो चुका है, वहां पे कोई भी चीज सेंसर का कुछ भी यूज नहीं है, सारा मैं रिमोट कंट्रोल थ्रू कर रहा हूं। अभी मेरा सीधा आ गया ड्राइंग, तो उससे मैं ड्राइंग का भी रिमोट थ्रू कर सकता हूं। इधर से मैंने क्लिक किया, उधर से मेरा पैन का बटन, और ये मैं पैन को रिमोट के थ्रू करता हूं, मेरा कन्वेयर ऑन ऑफ हो गया है और मेरा पैन ऑन हो चुका है। ये पूरा सिस्टम मेरा ये रिमोट पे काम हो रहा है, और ऐसे ही मेरा ऑटो मैनुअल मैंने आपको दोनों दिखाया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो मैं ऑफलाइन ऐसा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्काडा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, स्टॉप मोड में कैसे जाते हैं, इसका मिमिक कैसे दिखाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डीप में देखेंगे। तो अभी देख सकते हैं इधर पे मेरा प्रोजेक्ट स्क्रीन है, तो प्रोजेक्ट स्क्रीन में मेरे को क्या होता है कि मैं सबसे पहले शिवा आप अभी इधर पे रहो, फील्ड पे मत जाओ। तो अभी मैं जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे मेरे मैंने जितने भी वहां पे स्क्रीन बनाए वहां पे उसका नाम है, तो मैं कार के स्क्रीन पे चले जाता हूँ। देखो कार पे ये मैं पूरा हाथों से डिजाइन करते हैं हम, तो अभी मैं मेरे को इसको टैगिंग देना पड़ता है हर चीज को, तो मैं अभी एक टैग ले लेता हूँ इसका। देखिए इसका मिमिक खुला, इधर पे मैंने टैग एड्रेस पूरा देना पड़ता है मेरे को, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है वॉशिंग सेंसर 3, और इधर पे मैंने क्या लिखा है नॉट वॉशिंग सेंसर 3। नॉट का मतलब क्या है, जब मेरा सेंसर 1 नहीं रहेगा तो वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए डायरेक्टली। ये इस प्रकार सेंसर को टैगिंग दिया जाता है। अभी मेरे को कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि अभी आप मेरे से एक हो सकता है कि यार ये कम्युनिकेशन आप कैसे कर रहे हो, लाइक मेरा तो फील्ड पे हूं मैं, तो मैं किस प्रकार से मैं रिमोट थ्रू उधर का कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्या हो जाता है उसके अंदर कि हमको इथरनेट केबल ले सकते हैं। अब इथरनेट केबल नेक्स्ट वाईफाई जिसको स्टैटिक आईपी, तो इधर पे मैं इथरनेट केबल लिया हूं, आप देख सकते हैं इधर पे कॉम्पोर्ट में मैंने डाला हुआ है और इधर पे कॉम्पोर्ट में डाला हुआ है। तो अभी मैं आपको पीएलसी में एड्रेस दिखाता हूं कि ये मैं पीएलसी में हम एड्रेस डालते हैं, उस एड्रेस के थ्रू आपको सब लोग ईएनटीसी वाले स्टूडेंट्स को भी पता रहेगा, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू मैं उसको कम्युनिकेट करता हूँ, राइट। अभी शिवा आप उधर पे दिखा दो, तो अभी आप कम्युनिकेशन में आएंगे तो इधर पे मेरे को सब चीज में आप देख सकते हो मेरे को एक एड्रेस देना पड़ता है। शिवा इधर पे विंडो पे दिखाओ, तो देखिए इधर पे मैंने सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं, इधर पे सारे एड्रेस, लेकिन ये कौन से एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है जो बी। अभी आप ये एड्रेस देख लीजिए 10.0, 10.1, 10.2, ऐसे मेरे पूरे एड्रेस है, और ये कौन से बी के एड्रेस है, बी मेरा एलन बैटली में क्या रहता है, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। अभी इधर पे देख सकते हैं मेरा ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.20, राइट। और मेरा जो 1100 ये है, ये मेरा पीएलसी का मॉडल है, मतलब मैं इस मॉडल को ही सिंक कर सकता हूँ इस आईपी पे, राइट। तो अभी मैं आपको यही सेम एड्रेसिंग पीएलसी में दिखा देता हूँ कि पीएलसी में भी इसका एड्रेसिंग करना पड़ता है जिसके थ्रू वो मेरा काम करता है। अभी मैंने क्या वहां पे एड्रेस दिया था इनपुट का स्टार्ट के लिए B.10.0, इधर पे आप देख सकते हैं मेमोरी B.10.1, इधर पे आप देख सकते हैं मेमोरी B.10.2। इसी प्रकार मेरा क्या होता है कि हम स्काडा को और पीएलसी को एक साथ आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और पीएलसी क्या करता है मेरा फील्ड को कंट्रोल करता है, राइट। ओके सर, थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं बोलूंगा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो कि जिससे मुझे पता भी चले कि नेक्स्ट टाइम मेरे को क्या चेंजेस करना है, क्या और बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा पीएलसी का प्रोग्रामिंग देखेंगे, उसके बाद में हम पूरा स्काडा का प्रोग्रामिंग देखेंगे, और आप अगर किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो और कमेंट पर आप बता सकते हो।